उसका पैसेज स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। विभिन्न दलों के संसदीय दल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक से यही स्पष्ट हुआ कि फिलहाल लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हालांकि इस संदर्भ में कोई निर्णय प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक के बाद ही होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का आग्रह कर चुके हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की जो स्थिति है वह भी इसकी अनुमति नहीं देती कि 14 अप्रैल को देश को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया जाए। अब जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ना तय सा माना जा रहा है, तब फिर इस पर विचार आवश्यक हो गया है कि क्या देश के उन हिस्सों में कोई सशर्त ढील दी जाए जो कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं और जहां यह अंदेशा नहीं है कि संक्रमण फैल सकता है। इस प्रश्न पर विचार इसलिए होना चाहिए क्योंकि देश को लॉकडाउन की भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर करीब करीब सारी कारोबारी गतिविधियाँ ठप हैं। इसके चलते केवल कारोबार जगत को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा बल्कि कामगारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। बेहतर होगा कि कोरोना प्रभावित इलाकों में तो लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन कोरोना के संक्रमण से बचे क्षेत्रों में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को सीमित स्तर पर ही सही गति देने के उपाय किए जाएँ। ऐसा करते समय वैसी ही सावधानी बरतना सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संचालन में बरती जा रही है। चूँकि फसल कटाई का काम शुरू होने जा रहा है और उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को इस पर भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य तो संपन्न हो लेकिन संक्रमण फैलने का खतरा ना पनपने पाए। निसंदेह ऐसे उपाय करने के साथ ही उन कारणों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर करना होगा जिनके चलते कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह शुभ संकेत नहीं कि बीते 24 घंटों में 700 से अधिक कोरोना मरीज मिले। इससे इनकार नहीं कि हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के परीक्षण का काम तेज करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही समाज की ओर से ऐसा माहौल बनाना भी समय की मांग है कि कोरोना के संदिग्ध रोगी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। कोरोना वायरस की चपेट में आना गुनाह नहीं, लेकिन उसके संक्रमण को छिपाना आपराधिक लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं। कोरोना वायरस से लड़ाई कब तक चलेगी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी वजह से कोई भूखा ना रहे यह बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि कोई भी भूखमरी की स्थिति से ना गुजरे, इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, निगरानी भी हो रही है, मगर सच ये भी है कि कई जगहों पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा। 2 दिन पहले ही गोड्डा की डुमरिया पंचायत के ग्रामीणों को राशन और भोजन नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। डुमरिया में संताली जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कि क्या कहें, नमक भी नहीं मिल रहा। यह जानकारी मुख्यमंत्री को हुई तो उन्होंने गोड्डा के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वहां के ग्रामीणों को तुरंत राशन मुहैया कराएं। राज्य के कृषि मंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से जंग में सरकार संसाधन और पैसे की कमी नहीं होने देगी। गड़बड़ी करने वाले डीलर सख्त कार्रवाई के दायरे में आएंगे। सभी बीडीओ को भी 3-3 लाख रुपये दिए गए हैं। खर्च होने पर 5-5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। जिला स्तर पर भी अच्छी खासी रकम दी गई है। उद्देश्य है कि सबको राशन और ज़रूरी चीज़ें मिलें, मगर कई लोग हैं जो इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपनी झोली भरने में लगे हैं। धनबाद में ऐसा ही मामला सामने आया। पीडीएस दुकानदारों को गरीबों को अप्रैल मई का राशन मुहैया कराना है, मगर कतरास इलाके की 60 पीडीएस दुकानों में से 6 में सच्चाई इससे उलट दिखी। ये 6 दुकानें बंद थीं, एक में 1 माह का ही अनाज बट रहा था। कुछ जगहों पर लाभुकों को यह कहकर राशन नहीं दिया गया कि वे बाहर से आए हैं और उनसे बीमारी फैलने की आशंका है। जानकारी होने पर मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि राशन के रास्ते में अफवाह का रोड़ा नहीं आना चाहिए। यह पहल अच्छी है कि
अगर राशन मिलने में परेशानी हो रही है तो निशुल्क नंबर 1967 पर शिकायत करें। एकजुट होकर इस विकट स्थिति से निकलना है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। मैं ऐसे ही पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए और भी वीडियो डालूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।